हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स पंडा। सो राइट नाउ गाइस, वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन आईबीपीएस के साथ में ऐसा नहीं हो रहा है। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा और इस बार वही हो रहा है। मतलब दो डेट सेम डेट में एग्जाम कराने वाली अथॉरिटी आईबीपीएस है। सारा सिटिंग प्लान, सारा मैनेजमेंट आईबीपीएस बनाता है। क्या इनको ये बात पता नहीं होगी कि आरआरबी क्लरिकल मेन्स का एग्जाम 20 को ले रहे हैं, तो हमें इंटरव्यू 20 को नहीं देना चाहिए? मतलब जब बंदा फॉर्म भरता है तो उस टाइम पर क्या उससे पूछा नहीं जाता है? आप दोनों फॉर्म भर रहे हो, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वरना एक को रिस्ट्रिक्ट कर दो कि अगर आप क्लेरिकल भरोगे तो आप पीओ नहीं भर पाओगे, पीओ भरोगे तो आप क्लेरिकल नहीं भर पाओगे। और ये बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मतलब जो इंटरव्यूज हैं वो एक आध दिन आगे पीछे कर दिए जाए। ये पूरा सिटिंग प्लान जो आईपीएस ऑलरेडी बनाता है। और पिछले दिनों जब हमने आईपीएस से बात की थी, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर हम लोगों की तो एक ही डेट आ रही है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, तो काफी चर्चा की गई। आईपीएस की कस्टमर केयर पर भी कॉल किया। अल्टीमेटली उनका ये कहना था कि आप सीजीआरएस पर कंप्लेंट डाल दो और डिसीजन आ जाएगा। ठीक है, डिसीजन पेंडिंग है। दो दिन पहले तक मैंने आईपीएस पे कॉल लगाया था, उनका यही कहना था कि अभी डिसीजन पेंडिंग है, आपके पास आ जाएगा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। मतलब अब लोगों ने यही रिप्लाई दिया है कि सर अब कुछ नहीं हो सकता। उनका यही कहना है कि हम डेट पे चेंज नहीं कर सकते, जो डेट है वही है। अब ये होगा कि सारे के सारे लोग जो हैं जो ऑफिसर स्केल वन में सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो ऑब्वियसली वो क्लरिकल वाले को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों दो तीन चीज़ें और भी रहेंगी। अब आने वाले टाइम है, आगे आप खुद देखोगे कि इतने सारे एग्जाम्स आ गए, ऑनलाइन सारा सिस्टम हो रहा है। तो अब पहले क्या वीकेंड्स पे एग्जाम होते थे, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हर दिन मंडे ट्यूसडे में भी एग्जाम हो जा रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन ऑलरेडी बन रही है तो आईबीपीएस को एटलीस्ट इतना करना चाहिए था। ये अभी तक का सबसे वर्स्ट डिसीजन रहा है। इस बार हमने इतनी कैंपेनिंग की, हर एक चीज के बारे में मुद्दों को उठाया, लोगों से चर्चा की और यही कहा कि आईबीपीएस पर कंप्लेंट डालो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की गलती रही है। अगर दोस्तों बात आती है यूनिटी की, तो वहां पर बहुत ही टुकड़ों में चंद लोग इकट्ठे होते हैं और वो कंप्लेंट डालते हैं। कुछ लोग तो इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि यार जब डिसीजन आएगा ना तो वो तो सबके लिए आएगा ना, तो मैं चाहे पार्टिसिपेट करूं या ना करूं मुझे तो वैसे ही बेनिफिट मिलेगा। बस यही एक गलती, ठीक है, यही एक गलती जो है लोगों को रुला डालती है। अब क्या है कि 850 रुपये तो बेकार हो गए ना। आपने फॉर्म भरा, स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद सप्लीमेंट्री का हुआ, प्री क्वालिफाई हुआ, आपका इंटरव्यू भी होगा, तो आपको कोई एक चीज चूज करनी होगी। या तो आप जाकर क्लेरिकल मेंस को अच्छे से दो, या तो आप जाकर इसका ऑफिसर स्किल बंद होगे। अब आपका एक ही सिटी तो है नहीं, किसी बंदे का लखनऊ में इंटरव्यू डाल दिया गया है तो उसका पेपर जो है मेरठ में हो रहा है क्लेरिकल मेंस का, किसी का जो है बरेली में हो रहा है, बदायूं में हो रहा है, अलग अलग रीजन में लोगों के एग्जाम हो रहे हैं और इंटरव्यू के लिए उनको किसी दूसरे जोन में जाना पड़ रहा है। तो ये चीजें बहुत हद तक लोगों के साथ जो हो रही हैं, ये दोस्तों आगे होती रहेंगी। क्योंकि अगर आप लोग इसी सुस्त आराम से बैठे रहोगे, देखो यार हम एक छोटे से जरिया है, ठीक है, हम आपकी बात को रख सकते हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आईपीएस को कॉल करो, कस्टमर केयर पर अलग अलग जगह पर नहीं लिखोगे बिल्कुल और एक्टिव हो जाया करो। क्योंकि देखा आपने एसएससी की जब बारी आई थी तो रेलवे एग्जाम के एग्जाम नहीं हो रहे थे, ठीक है, काफी टाइम से सुस्त पड़ा था पूरा मुद्दा। ट्विटर पर इतना बड़ा कैंपेन हुआ कि करोड़ों ट्वीट्स हुए थे, रेलवे जागा और उसने एग्जाम कराने की पूरी घोषणा की। तो जो चीज सही है वो तो चलो चलने दो, लेकिन जहां पर गलत हो रहा है ना वहां तो मत रहना चाहिए, वहां तो कम से कम अपनी बात को रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिवेल बन जाओ, आप अपनी सही चीज को उनके पास रखो तो यार, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने फॉर्म भरा है, हमने प्री क्वालिफाई किया, हम मेंस के लिए आए। अब ये है कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, उन्होंने सही सोचा होगा कि यार फायदा होगा तो सबका हो जाएगा, अब नहीं अगर कुछ आएगा तो हम भी बैठेंगे, तो इसी इंतजार में बैठे रहे। और जब नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बहुत कम जाती है तो आईपीएस को समझता है कि ये प्रॉब्लम जो है बहुत कम लोगों के साथ है, तो हम इसके ऊपर एक्शन क्यों ले। तो मैं बार बार आपको बताता था कि जब कोई भी बात निकल कर अगर आ रही है तो सारे लोग इकट्ठे होकर यार एक बार कंप्लेंट कर दिया करो, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं की जा रही है, सिंपल आपको कंप्लेंट करनी, फोन करना होता है। अब ये है कि जब फर्स्ट डे में अगर ये सारी चीजें हो जाती, जिस डेट में इन्होंने अपना एडमिट कार्ड निकाला या फिर आपका मेंस का एडमिट कार्ड आया, इंटरव्यू के कॉल लेटर्स आए, तो ये जब दोनों चीजें क्लैश कर रही थी, हमने उसी डेट में वीडियो बनाकर आप लोगों को बोला था कि आप लोग लिखो, आईपीएस के साथ में आओ और उनको लिखो। मैक्सिमम लोगों ने जो है, मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब उन्होंने इस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया होगा। अब ये कहानी जा चुकी हाथ से, अब यही है कि आप अपने आप से डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। आपको लग रहा है कि हाँ मेरा मेंस बहुत अच्छा हुआ था और इंटरव्यू में क्वालिफाई कर ले जाऊंगा, मैं इतने अटेम्प्ट बनाकर आया था, तब तो आप इंटरव्यू देने जाओ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं क्लिनिकल मेंस अच्छे से दे सकता हूँ, मेरी पीओ में जो है इतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो ये दोस्तों आपको खुद से डिसाइड करना है। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको नहीं बता सकता कि यार आप इसको छोड़ दो, उसको ले लो, ये नहीं हो सकता। ये आप खुद अपने दिमाग से सोचो
और फिर आप उसके बाद इसको डिसाइड करो। आगे ऐसी चीज़ें ना हो तो इसके बारे में आप लोग बहुत अलर्ट रहो, क्योंकि जो भी अथॉरिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन इन सारे एग्जाम्स को करा रहा है, उसके पास पूरे पूरे राइट्स होते हैं। जब वो प्री होने के बाद सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन निकाल कर दोबारा से प्री का एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, तो जिन दो डेट पर मेंस और इंटरव्यू दोनों रख दिए हैं, क्या उनको आगे पीछे नहीं कर सकते? ये सब कर सकते हैं। यहाँ पर जरूरत थी कि नंबर ऑफ क्यूरीज ज़्यादा जाने की, वो क्यूरीज कम गई, तो इस केस में अब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब आगे के लिए तैयार हो जाओ। आप लोग बहुत सारे लोग ओवर एज हो जाएंगे, किसी का लास्ट ईयर चल रहा होगा, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, ये थोड़ी गलत है। इनके ऊपर एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी जाना चाहिए, और मैं तो चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ IBPS भी एटलीस्ट एक बार देखे, क्योंकि पहले काफ़ी टाइम पहले मैंने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मेरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो यूनियन ग्रुप था, उन लोगों का आपस में ग्रुप होता है, उसमें शेयर की गई थी, और वहाँ पर मैंने चैटिंग भी मुझे कुछ लोगों ने भेजी थी कि देखो सर, इस सारे मुद्दों के ऊपर बात हो रही है। तो अल्टीमेटली जब ये सब ऐसे इश्यूज आते हैं तो लोगों को इनके ऊपर बात करनी चाहिए। अब अगर शांति से बैठे रहोगे तो कुछ होने वाला तो नहीं है। ओके, तो आगे इन सारी वीडियोज़ को शेयर करो और टैग करो ट्विटर पर, ताकि IBPS और अगर अथॉरिटीज़ भी देखें, ताकि उनको थोड़ा पता लगे कि मतलब हमने क्या किया है। और ये ऐसी बात नहीं है कि मतलब एक चांस की बात है दोस्तों, कई कई ऐसे लोग होंगे जिनकी पूरी लाइफ का सवाल होगा, उनके साथ गलत हुआ है। आपने देखा कि अभी ये जो वैकेंसी वाला चल रहा था BOB का, इसका भी मामला ठंडा पड़ गया, कुछ नहीं हुआ। हमने कितनी बात की, ट्विटर पर भी आओ, अलग अलग लिखो, IBPS को पोर्टल पर कंप्लेंट करो, जो गलत है वो गलत है, उसके ऊपर तो बात करनी जानी चाहिए ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब लोग कम पार्टिसिपेट करेंगे तो इसी तरीके का जो ठंडा माहौल है वो हमें देखने को मिलेगा। हम तो आएंगे, पढ़ाएंगे, आपके साथ नॉलेज शेयर करेंगे, आपको नोटिफिकेशन हर एक अपडेट देंगे, लेकिन आप लोगों को भी कुछ अपने दायित्व को निभाना पड़ेगा, और आगे अब अगली बार ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए पहले से ही तैयार होना पड़ेगा।